नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुअर कृतिका। मेरा नाम है पुअर ध्रुवराज सिंह। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुअर धैर्यपाल सिंह नरपत सिंह। लाइव लर्निंग सेशन 29 में आपका स्वागत है। आज पजल देखेंगे। कई दिनों से वर्ल्ड यूथ माइंड स्पोर्ट्स फेयर जो है कंपटीशन पजलर एस वेबसाइट में हुआ था कोरियन, उसी के सुडोकू और पजल देख रहे थे अलग अलग अंडर एज कैटेगरी के। पर इस बार एक्चुअली 25 दिसंबर से तापा ट्रेन कंटेस्ट चालू था LMI में, सुडोकू गुगिलम सर ने चालू किया है। तो ध्रुव ने देखा कि चलो कुछ लर्न करते नया पजल। पजल जो है ना वो रियली ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं एंड सुडोकू इज अ पार्ट ऑफ पजल फैमिली। तो इंडिया के जो हमारे चैंपियन हैं प्रसन्ना शेषाद्री, उनके साथ जब ध्रुव का थोड़ा इंटरेक्शन हुआ तो उसको पजल में इंटरेस्ट हुआ था, फिर बीच में थोड़ा डिम कर दिया उसने। और फिर से सुडोकू गुगिलम सर का तापा देखा उसने। तापा ट्रेन अभी भी चल रहा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 25 दिसंबर से 13 या 14 जनवरी तक चलेगा। एवरी 30 आवर्स वन सुडोकू वन पजल। तो इसमें ये LMI का होम पेज है। हाँ। फिर इसमें आपको अगर टापा ट्रेन इसको आपको क्लिक कर देना है। फिर इधर आपको अपना बना लेना है लॉगिन आईडी वगैरह, उसमें करके फिर आपको स्टार्ट कर सकते हैं। 5 प्रैक्टिस करने वाले हैं और अभी तक 7 हो चुके हैं। हाँ, बाकी भी आप पुराने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पुराने भी अभी भी कर सकते हैं आप 7 के साथ। तो तापा जब इसने लर्न किया तो साथ में कुछ और मटेरियल भी रिफर किया, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो तापा मीन्स बेसिक सिंगल कनेक्टेड वॉल या ग्रिड। सो GM पजल पे देखा थोड़ा, और रोहन राव सर का ब्लॉग देखा जो इंडिया के सुडोकू चैंपियन है। रोहन राव सर का ब्लॉग है GM पजल। तो पेन का प्लेटफॉर्म तो खोल तो उस पर चालू कर सकते हैं। तो तापा बेसिकली क्या है कि एक आपको कुछ सर्कल मतलब ग्रिड जो है उसमें आपको कुछ कनेक्टेड वॉल बनानी है, ब्लैकन करने या शेड करने हैं इस टाइप का मान लो, और वो सिंगल होना चाहिए। आप ब्लैक देखेंगे तो आपको उसके नंबर दिए हैं। सो आपको वो सिंगल वॉल बनानी है जो कंटिन्यूस हो और उसमें 2x2 ब्लैक ना हो पाए, और जितने नंबर दिए उतने आसपास नेबरिंग सेल में से उतने ब्लैकन या शेडेड होने चाहिए। तो उसका एक बार रूल पढ़ो ध्रुव अंग्रेजी में, जो भी डिटेल रूल है। ब्लैकन सम सेल्स टू क्रिएट अ सिंगल कनेक्टेड वॉल कॉल्ड द तापा। Numbers in a cell indicate the length of consecutive shaded blocks in the neighboring cells. मतलब आसपास के जो 8 सेल है उसमें continuous length of consecutive shaded blocks. Continuous होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेक होके। If there is more than one number in a cell, then there must be at least one unshaded cell between the black cell groups. मतलब अगर एक से ज़्यादा नंबर दिए एक सेल में तो मतलब उन दोनों ग्रुप के बीच में मिनिमम एक अनशेडेड सेल का गैप आना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। सेल्स विथ नंबर मस्ट रिमेन वाइट, मतलब जहां आपको दिया है नंबर उनको शेड नहीं करना है, वो तो अनशेडेड ही रहेंगे। ऑल्सो द शेडेड सेल्स कैनॉट फॉर्म अ 2x2 स्क्वायर एनीवेयर इन द ग्रिड। तो जो शेडेड सेल्स है वो कहीं पर भी 2x2 फॉर्म नहीं होंगे। तो ये रूल के साथ तापा हम लर्न करेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे, और कंसेप्ट के लिए हमने देखा रोहन राव सर का ब्लॉग स्पॉट। इवन उसके अलावा आप आशीष कुमार जो है वो भी अच्छे पजल चैंपियन इंडिया के, उनका हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उनका चैनल है अनसेकलिंग सुडोकू एंड पजल पजल्स, उसमें भी अच्छे कंसेप्ट दिए, एडवांस कंसेप्ट, तो वो भी देख सकते हैं आप। और उसी में उन्होंने कवर किए है प्रसन्न शेषाद्री का सुडोकू भी, है ना, प्रसन्न शेषाद्री सर का पजल। तो ये मान लो कंसेप्ट चालू करें हम, तो पहला कंसेप्ट ये है कि वहाँ जाओ, अगर कॉर्नर में 3 आता है, नहीं मतलब कॉर्नर कोई भी कॉर्नर है वहाँ मान लीजिए मैक्सिमम एडजस्ट नेबरिंग सेल कितने हैं, 3 ही है, 3 ही है, तो 3 आया तो 3 के 3 हो जाएंगे। हाँ, 3 आया तो 3 के 3 हो जाएंगे, क्योंकि उसका उससे ज़्यादा है ही नहीं, वही मैक्सिमम पॉसिबल है। हाँ, ऐसे अगर हर एक कॉर्नर में 3 आएगा तो बस वही 3 हो जाएगा। बस ठीक है, और उसमें 1 या 2 होगा। अब तो ट्रिकी पार्ट कहाँ है, 1 होगा तो हमको पता नहीं 3 में से कौन सा 1 होगा, 2 होगा, पर अगर 2 हुआ तो या तो ये दोनों होगा या तो ये दोनों होगा, क्योंकि कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब आप दो अलग नहीं कर सकते सेल को, जैसे कि दिखाओ, दो अलग नहीं कर सकते। एक्चुअली इसमें ग्रीन मतलब अनशेडेड सेल कहता हूँ, और जो
डार्क ग्रे है, इसको मतलब शेडेड, ठीक है हाँ, तो ये कॉमन है ऐसा। हाँ, दो अलग नहीं हो सकते, कंटिन्यूस ग्रिड का मीनिंग ये है कि जैसे दो ऐसे अलग नहीं हो सकते। हाँ, इनको कंटिन्यूस रहना है आसपास के 8 सेल में, जैसे ये दोनों या ये दोनों। हाँ, तो मतलब ये तो कॉमन है, इसको तो अगर टू कॉर्नर में है तो इसके सामने वाला शेयर कर देना है कंपलसरी, ठीक है। वन हो तो कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली मान लो बीच में एज में करो, एज में मान लो 3 दिया, एज में अगर 3 आता है कहीं पर भी तो इसमें क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी आ गए, एक ऐसा और एक ऐसा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये सेंटर वाला कॉमन पॉइंट, मतलब अगर 3 एज में आता है तो उसके सामने वाला बस कर देना है शेड। 4 आया तो बताओ, और अगर 4 अरे सॉरी 4 आता है अगर, तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसा और एक तो ऐसा। तो इसमें जो सेंटर वाले 3 है इसको कर देना है शेड, और 5 आया तो 5 के 5 आपको करना पड़ेगा, 5 के 5 ही मैक्सिमम। तो इसमें अटैक करना है सबसे बड़े नंबर को देख के वहां चालू करना है, या तो नेबरिंग सेल वाले कुछ हो उसको आप ले सकते हैं, जैसे मान लो 1-1 दिखाओ, तो कॉर्नर में 1-1 दिखाओ, कॉर्नर में अगर ऐसा 1-1 आता है तो मतलब दो ही, मतलब इनमें गैप भी होना चाहिए, मतलब 2 सेल होंगे उनमें गैप, तो 3, तो उनको ऐसे ऐसे होना है और बीच में गैप, यही पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, इतना कर ही देना है, क्योंकि एक देखिए ब्लैक एंड जो सर्कल है उनका एक कंटीन्यूअस वॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अकेले आइसोलेट नहीं हो जाने, आइसोलेट नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 कॉर्नर में आता तो ये 4 कर देने हैं, तो कॉर्नर में या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 1-1 आएगा, उसके अलावा नंबर नहीं आ सकता, मैक्सिमम 3। चलो और क्या दिखा था राउंड ऑफ सर्कल ब्लॉग में, ये 2 कॉर्नर में तो 1-1 ने सामने, जैसे हमने बताया ठीक है ना, और 1-1 है तो भी ऐसे 4 कर देंगे, बाहर आएगा। फिर 3-3 अगर आता है, जैसे इधर ऐसे 3-3 आता है तो इसमें पॉसिबिलिटीज है, पहला ये ऐसा, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 3 वाला है शेडेड ये ब्लॉक हो रहा है, इसमें ऐसा लिखा है कंटिन्यूस होने चाहिए, पर ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा। जो आपको जो पर्टिकुलर नंबर वाला सेल दिया उसके आसपास आप देखेंगे तो नेबरिंग सेल 8 है, मैक्सिमम 8 है। 8 में आप 3-3 बोला, मतलब 3-3 के 2 ग्रुप है 6, और उनको आइसोलेट करना, एक एक से आइसोलेट किया। अब क्या हो रहा है कि कॉर्नर वाला जो 3 का वाला ग्रुप है वो आइसोलेट हो गया, वो हमने बोला कंटिन्यूस वॉल होनी चाहिए ब्लैक एंड सेल की, तो वो नहीं हो रहा है, तो मतलब वो कॉर्नर सेल में ब्लैक एंड वाला नहीं आया, तो पहला पॉसिबिलिटी गया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी है ऐसे, ये हो सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी है दोनों हॉरिजॉन्टल, ये भी हो सकता है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है दोनों वर्टिकल, तो इसमें ये हो रहा है कि ये दोनों तो कॉमन हो रहा है, तो तीनों बाकी की 3 पॉसिबिलिटी में, तो अगर इधर 3-3 आता है, चारों में दिखाता हूँ मैं, तो इनमें जो कॉर्नर है उसके सामने वाले 2 में हो जाएगा, कॉर्नर के सामने वाले 2, हाँ उसके एडजेसेंट, कॉर्नर से लेके एडजेसेंट 2 में कंपलसरी आएगा, बाकी क्या आपको बाद में सोचना है, ठीक है। अब सिमिलरली 3-3 की जगह 2-2 या ऐसा कुछ करके दिखाओ, हाँ 2-2 करके दिखाओ 3-3 की जगह, हाँ अगर 1-2-2 भी हो तो 1-2-2 अगर ऐसे कॉर्नर में एक छोड़ के आता है, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है कि कॉर्नर वाला एक तो नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा एक में बताओ, मान लो ये 1 भी हुआ, 1 हुआ तो आइसोलेट हो गया, 2 हुआ तो और बाहर, 2 हुआ तो भी आइसोलेट हो जाएगा, और अगर इधर 2 हुआ तो भी आइसोलेट, तो मतलब इधर आना ही नहीं है कुछ भी। और अभी हमारे पास 7 सेल में 5, और 3 नंबर से तो 2, तो 7 के 7 यूज हो जाएंगे, क्योंकि बीच में एक एक से उसे आइसोलेट भी करना है, हाँ मतलब 3 के बाद ऐसे होगा, तो इसमें ऐसा होगा एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ऐसे 2 कर देना है कॉर्नर के बाजू में, और छोड़ के उसके उन दोनों के सामने 1। सिमिलरली इधर होते एक दिखा, दूसरा कॉर्नर दिखा, और अगर इस तरफ अगर है तो वही कॉर्नर छोड़ दिया, फिर कॉर्नर के बाजू में 2-2, फिर उनके सामने 1। दिस सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट कि 1-2-2 तीनों अलग है, 2-2-1 का ग्रुप हुआ और आइसोलेट हुए, और इतने ही हुए और कुछ नहीं है। चलो 1-2-2 हुआ, दूसरा 3-1-1 या 1-3 पॉसिबिलिटी दिखाओ, 3-1-1। हाँ तो अगर 3 नंबर देखेंगे 3-1-1, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ऐसे 4 होगा, ये 4 कॉमन होगा, क्योंकि अगर ये 4 कॉमन हो तो 3 इधर हो सकता है, इधर इधर या तो इधर, तो पहला पॉसिबिलिटी ये है,
और सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये चार कॉर्नर इसमें थ्री ऐसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा। तो फिर ये देखना है कि मतलब कहां तो इसमें से बाहर आ रहा है, या तो चारों कॉर्नर कॉमन होंगे या तो चारों एज कॉमन होंगे, तो आपको देखना है वो पजल के हिसाब से। ठीक है, और क्या देखो तुम ब्लॉग में आ गया, और क्या 33 और 13 13 वाला मॉडल, तो द 13 आता है अगर, तो इसमें क्या होगा कि 3 और 1 4 उन दोनों के बीच में गैप 5, मतलब 5 के पास यूज होंगे। हाँ। इसमें होगा क्या कि 3 के लिए मैंने बोला था अगर 3 एज में आता है तो ये वाला सेंटर वाला कर देना है। और कंटीन्यूअस होना चाहिए। हाँ, बाहर आना चाहिए। 1 3 3 के लिए क्या है, इसमें अगर 3 है वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है उसके हिसाब से। तो इसमें क्या है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे बताना है। ये अगर ये ऐसे भी होता है तो ये दोनों तो गैप ही आएंगे। हाँ, तो ये नहीं हो सकता, तो 1 नहीं आ सकता है ना। तो क्या होगा, ये 3 कॉमन हो जाएगा। और अगर कॉर्नर में है तो इन्होंने जैसा बोला कि ये 1 ये नहीं हो सकता 1, क्योंकि 1 हुआ तो ये आइसोलेट हो जाएगा, तो 3 होगा और 1 को आगे बढ़ना है, तो ये ऐसा होगा। अब ऐसा उसको वर्टिकल एज में करके दिखाओ, वर्टिकल एज में 3 लिखो, वर्टिकल जैसे इधर। हां, अगर इधर है तो इसमें मैंने जैसे बोला ऐसे 3 तो हो ही जाएगा, बस इतना याद रखना, इतना ही होगा एज में। अगर कॉर्नर के पास है तो इनके जैसा, जैसे कि हां बस, जैसे मान लो यहां 13 लिखा है, जैसे अगर इधर 13 लिखा है तो क्या होगा, 5 के 5 यूज होंगे, ये 3 होगा और ये 3 हो जाएगा बाहर भी, और ये 5 ये होगा। चलो नेक्स्ट वाला क्या था, तो छोटी छोटी थोड़ी टिप्स जैसा है, याद रखेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो डिफिकल्ट होगा। याद नहीं मतलब ये तो लॉजिक है, याद नहीं रखना है, समझना है खाली इसको। और अगर कॉर्नर के बाजू में 1 1 1, तो अगर 1 1 1 होता है तो क्या होता है कि ये कॉर्नर वाला तो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हुआ तो ये आइसोलेट हो जाएगा, तो 1 खाली या तो इन तीनों में हो सकता है, इन तीनों में होगा। बाकी देखो वो 1 भी नहीं होगा, पहला कॉर्नर वाला नहीं होगा, उसके बाजू वाला भी नहीं होगा, बाहर आना उसको। हाँ, आइसोलेट हो जाएगा, इधर हुआ तो ब्लॉक हो जाएगा, तो वो तीनों में होंगे, इधर नहीं इधर नहीं। अब बाकी कितने बचे, 5 बचे और 5 यूज करने हैं हमको, 5 में 3 1 के होंगे और 2 गैप के, तो ऐसा ही होगा मतलब ऐसे। अच्छा, आज 4 दिया होता है कहीं सेंटर में, 4 1 1 1, अगर 4 1 दिया होता है तो क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सारे एज वाले या तो सारे कॉर्नर वाले, मतलब वो डिपेंड करता है, सेंटर में होगा तो डिपेंड करेगा आपको कहां से उठाना है उसको, है ना। कॉर्नर में 4 नहीं आ सकते 1 कभी भी, अभी जहां कंडीशन यहां 4 1 नहीं आ सकते। हां, 4 1 नहीं आएंगे क्योंकि ये आइसोलेट हो जाएगा, इधर आ तो आइसोलेट, तो इसके हिसाब से बोलेंगे तो एज भी नहीं होगा, ये 1 1 1 इधर आ ही नहीं सकता, पर वो यहां आ सकता है कहीं बीच में, कहीं आ सकता है, बीच में कहीं आ सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 नेक्स्ट है 1 2 2 जो मैंने बोल दिया था, बोल दिया, चलो 5 वाला ही बोल दिया, 5 वाला एज में है तो 4 वाला बोल दिया, 3 वाला 2 2, तो अगर 2 2 होता है तो इसमें क्या है, 5 सेल है, 4 ऑक्यूपाई होगा और एक गैप के लिए, तो इसमें ये ऐसा ही एक पॉसिबिलिटी है, इनके सामने वाला इंसर्ट करके बाकी 2 2 के ग्रुप, सामने वाला इंसर्ट करके बाकी 2 2 के ग्रुप, करेक्ट। चलो और क्या है कुछ नेक्स्ट, नेक्स्ट है 1 3 जो मैंने बोल दिया था, 1 1 1 भी, फिर 1 1 1 एज में, हाँ, वो तो 1 1 1 एज में है, तो 3 नंबर हमको ब्लैकन करने हैं और बीच में 2 आइसोलेट करने, 5, तो यही पॉसिबिलिटी है, और कुछ हो नहीं सकता, और ऐसे ऐसे, हाँ, वहाँ से बाहर भी आना है। चल जाने दो, ठीक है, और क्या बचा, नेक्स्ट है 4 1 1 वाला, वो तो बोल दिया बस, तो रोहन सर के ब्लॉग स्पॉट जो है, जो हमारे सुडू चैंपियन इंडिया के, वहाँ से हमने कुछ टिप्स लिया, और उनके वहाँ से कुछ पजल भी ध्रुव ने फिर पेन पर प्लेटफॉर्म जो स्वरूप जी का डाल के कुछ क्रिएट किया है ना, जो वो उसको देखेंगे हम तो मजा आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो कर्टसी के लिए हमने लिखा है किन किन का क्या क्या यूज़ किया है, जीएम पजल का, रोहन राव सर का ब्लॉग स्पॉट, फिर आशीष कुमार सर का एक वीडियो है वो भी लिंक दिया है, और एलएमआई का भी कुछ किया ट्रायल वाले, तो चलो चालू करेंगे। पहला वाला है रोहन राव सर का जो ब्लॉग स्पॉट है, हाँ, उसमें एडवांस भी देता है डीबंकिंग तापसी क्रिएट्स, उनका वीडियो का नाम है आशीष कुमार सर का, हाँ, वो उसमें है ना, तो उसमें एडवांस टेक्निक भी दिखाई है कुछ, हाँ, देख सकते हैं, पहले बेसिक्स करके फिर एडवांस भी देख सकते हैं।
चलो तो पहले वाला चालू करो। इसमें है रोहन राव ब्लॉक स्पॉट सर का 338 नंबर पर। कृतिका भी थोड़ा सीख रही है ना, तो काफी अच्छा लगा। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, जो भी सीखा है समझ रहे हैं। तो यहाँ एक्सपर्ट नहीं है, बस शेयर करते हैं, इंटरेस्ट और मजा आया तो लोग शेयर किया जाए कि अवेयरनेस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, मजा आता है। अगर पहले तो 5 एड्स में है तो 5 के 5 हो जाएगा, सबसे बड़े नंबर देखेंगे है ना। फिर ये 3 है, 3 एड्स में है तो ये 1 हो जाएगा सामने वाला। फिर अगर 1-3 एड्स में है तो ये 3। टू टू के लिए कृतिका सही बोली कैसे। हाँ, टू टू के लिए तो सामने वाला अनशेडेड और बाकी 4 को फिर बाहर निकलेगा, बाहर आएगा। हाँ, फिर इसको बाहर भी आना है। फिर ये 2-2 वाला है, इसके लिए 1 होके स्टार्ट हो गया, उसको मिनिमम 2 होना ही है तो इधर आएगा ही। और जैसे ये 2x2 नहीं बनना है इसे, तो एक अनशेड हो जाएगा, तीन के लिए एक अनशेड होगा तो ये 4 ही होगा। फिर और नीचे 2x2 का एक हो गया ना, 2 आइसोलेट करो उसको, ये वाला। और ये जो 1-3 है कॉर्नर के पास है तो ये वाला पॉसिबिलिटी है। फिर ये 3 के लिए अगर ये होगा तो इधर से इन दोनों को कनेक्ट भी होना है, तो ये ही पॉसिबिलिटी। मतलब देखिए तेरे इधर निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। रूल ये था कि कंसेक्यूटिव ब्लैक एंड सेल होने चाहिए, जो 3 के लिए कंटीन्यूअस होने चाहिए। हां, कंटीन्यूअस होने चाहिए। 6 के लिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी 4 के लिए मिला, देखो 4 के लिए 2 मिले कॉर्नर, तो 2 कॉर्नर नीचे ही होंगे। तो कॉर्नर में ही होगा अभी, निकल जाए। फिर ये 3-3 है, इसके लिए 2 वर्टिकल ही होगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दोनों वर्टिकल नीचे आएगा, इसको 2x2 नहीं बनना था अनशेडेड। फिर 2 के लिए ये एक स्टार्ट हो गया, मतलब या तो इधर या तो इधर, तो बाकी दो तो अनशेडेड हो जाएंगे। फिर जो 3 वाला है, नहीं नहीं, दूसरा इधर ही देखो, खत्म हो रहा है। हां, उसको बाहर आना है, ये 3 वाला ग्रुप को बाहर आना है, एक और बाहर आना है। अभी 2x2 नहीं बनना है तो अनशेडेड। अब ये 2 के लिए ना, इसको ये पूरा अगर ये लेफ्ट गया तो ये एक आइसोलेट होगा रीजन, तो इसको नीचे ही आना, तब ये इससे कनेक्ट होगा। अभी करेक्ट, अब वो 2 का हो गया, दिखाओ कैसे हो गया। दो नेबरिंग सेल हो गए ये दोनों, अब बाकी 3 में ब्लैंक, बाकी 3 में अनशेडेड है। ऐसे और ये वाला तो 4 वाला रीजन है, इसको बाहर आना है इधर से। करेक्ट, तब 7 के लिए क्या हो गया कि दो तरफ से चालू हुआ। अब देखिए 2 कॉर्नर और ऊपर वाला एक ब्लैंक है। मुझे अब एक चीज मिला। हाँ, बोलो कुछ। ये जो है अगर ये वो कंटिन्यू जाएगा, हाँ, उधर ही जाएगा। क्यों? इधर से भी, इधर से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से क्या होता है, 2x2 हो जाएगा। हाँ, ब्लैक एंड मतलब इन दो में से एक व्हाइट होगा, कौन सा नहीं पता हमको, तो बाकी सब तो शेड हो जाएंगे, बाकी कर सकते हैं। तो 2-2 का 2-2 का ग्रुप हो गया, तो बाकी दोनों अनशेडेड। यस, तो 7 का अनशेडेड मिल गया, तो ये शेड हो जाएगा। हाँ, और यहाँ उसको कनेक्ट करना है, और ये 3 वाले को कनेक्ट करना है, तो ऊपर जाएगा, पर ऐसे जाएगा एंड में कि करेक्ट है, टिक। तब फिनिशर 2022 सही मैसेज। तो ये एक फर्स्ट पजल था, इजी वाला और काफी अच्छा था, है ना। इसमें अगर आपको पढ़ना है रूल्स, तो शो रूल्स बटन दबा के पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है उन्हीं के ब्लॉक स्पॉट से 339 वाला। देखो कमेंट्स वगैरह, देखो ठीक आ रहा है नहीं, देखो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अभी ये भी कृतिका तुम बोलो, चलो सीखिए थोड़ा सा, समझो 1 है तो 1 के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है, वरना ये ऐसा करके ऐसा, करेक्ट, मतलब अंदर से नहीं आ सकता, इधर आया तो क्या है, ये आइसोलेट हो जाएगा, तो इधर नहीं आएगा, अब नीचे वाले जो 2 है 3 सेल में 2 ऑक्यूपाई होगा और एक गैप के लिए, तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। बाहर आना है ऐसे, फिर और बाहर, फिर 1 का 1 हो गया तो अनशेड हो जाएगा। फिर 1 के 1 इधर ही होगा, इसको बाहर आना है। अब अंदर नहीं होगा सीधे, सबसे ऊपर जो है ना ये वाला, हाँ, वहाँ बाजू में नहीं होगा, क्योंकि बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो वो अनशेड होगा। नहीं नहीं, ये इधर से भी ऐसे बाहर आ सकता है, मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आगे गया तो भी ये अनशेड, तो इधर से ही बाहर आएगा। हाँ, और सीधा भी इधर से बाहर आएगा, तो ये तो आना ही है।
अब वन के लिए मान लो ये, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाला ब्लैक हुआ तो बाहर तो आना है ना उसको, इधर से ऐसे कनेक्ट हो सकता है। चलो ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ हुआ तो ऐसे बाहर कैसे आएगा, इधर हुआ तो इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है। लॉजिकल चीज क्या बता रही थी, ये कॉर्नर में होगा ना तो इनके साथ ही मैच हो सकता है, इधर ही मैच हो सकता है, नहीं तो अंदर टू टू हो जाएगा। अगर इधर आया तो इधर आगे, ये ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, ये वाला जो पॉसिबिलिटी है अगर वन इधर आया तो अनशेडेड हो जाएगा बाकी तीन, और इसको इधर से बाहर आना है, अब ये आइसोलेट हो गया क्योंकि इधर टू बाय टू नहीं हो सकता, मतलब अंदर वाला नहीं आएगा, ठीक है ना, इधर नहीं आएगा, उसके आगे वाला भी वही हो रहा है। अगर इधर आया तो इधर अनशेडेड, इसको फिर से आना है, ये फिर से आइसोलेट हो गया, तो मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में अगर ये फिर से शेड हुआ, ये दोनों ये अनशेडेड, ये इधर से कनेक्ट होगा, अब सही हो सकता है। और ये इसको इधर से कनेक्ट होना है, फिर ये वाले को अब बाहर आना है और ये हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट है 340 तापा है, उनके ब्लॉक स्पॉट्स। हां थोड़ा सा गिग का साइज बढ़ा लिया है ताकि अलग-अलग टाइप के थोड़े बड़े वाले भी अनुभव हो जाए। तो इसमें 4 एड्स में है तो ये 3 हो जाएगा सामने, ऐसे इसका भी 3, ऐसे 4 का भी 3, फिर ये 2 तीन एड्स में एक के लिए होगा, इधर भी एक के लिए होगा, तो इसके लिए ऐसे होगा, 4 के लिए इधर ही होगा, ऐसे इस 4 के लिए भी इधर, ये 4 के लिए भी इधर, तो आगे निकल जाएगा। अब ये 2 बाय 2 नहीं होगा तो इधर अनशेडेड, फिर वो 1 के लिए कॉर्नर में नहीं, फिर इधर भी अनशेडेड, फिर ये 3 है, इसके लिए ऐसे चालू हो गया तो यही होगा क्योंकि इधर आके ये आइसोलेट नहीं हो सकता, तो कंटिन्यू बॉल होनी चाहिए ब्लैक। अब वो कॉर्नर पे बन नहीं होगा ऊपर, हाँ इसके लिए इधर हुआ तो ब्लॉक हो जाएगा। ये मैच मिला जो 2-2 है, ये 2-2 है ना, तो इसमें 2-2 इन तीनों में 1-2 आएगा और इन तीनों में 1-2 आएगा, तो इनमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, क्योंकि ये 2 ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, और इसमें ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है, और ये दोनों कॉमन है, तो ये तो एक के लिए एक होगा, नहीं 4 भी हो सकता है, 1 या 4 किसी का पार्ट हो सकता है। इसमें एक लॉजिक है, ये जो 2-4 है इसमें 7 दो कंटीन्यूअस अनशेडेड नहीं हो सकते, तो नहीं तो 6 बचेगा और 6 में छू जाएंगे दोनों, तो इसमें दो कंटीन्यूअस अनशेडेड नहीं होंगे, तो अगर ये 1 जो है इसमें अगर ये 4 में से कोई भी शेड हुआ तो ये गलत हुआ है 2-4 के लिए, ये शेड हुआ तो ये दोनों अनशेडेड, ये शेड हुआ ये दोनों अनशेडेड, ये शेड हुआ तो ये दो, तो भी ये दोनों अनशेडेड। वहाँ 7 सेल की रिक्वायरमेंट है, 2-4 के आसपास जो नेबरिंग 8 सेल है उसमें से 7 सेल वहाँ चाहिए, तो बाकी ये 1 के लिए ये 4 अनशेड हो जाएगा। हाँ तो 1 के लिए उन दोनों में से कोई भी एक आएगा शेडेड, बाकी नहीं आएगा। तो जो 2 है इसके लिए ऊपर नहीं जा सकता तो लेफ्ट जाएगा। अब ये जो है ये 2x2 नहीं होगा तो अनशेड, तो ये 1 का हो गया, और 4 का इधर ही आएगा कंपलसरी, और ये 2 का 2 हो गया तो बाकी 3 अनशेड, ये 2x2 नहीं होगा तो ये भी अनशेडेड। फिर अभी ये 6 के लिए ऐसा होगा तो ऐसे 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 आएगा, मान लो तुमने इधर 2 लिया तो आइसोलेट करके देखो वो हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, फिर 4 कहाँ से आएगा। हाँ अगर ये 2 है तो इस तरफ गया, अगर
तो आइसोलेट हो गया, आइसोलेट हो जाएगा ना, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो ये टू इस तरफ हुआ, तो इस तरफ ही नहीं नहीं मतलब टू के लिए नीचे आएगा लाइन, ऐसा टू के लिए पहले नीचे आएगा, नीचे थोड़ी आ सकता है। अरे ये वाला टू, हाँ वो टू के लिए करना है ना, ये टू के लिए तो इधर नहीं आएगा, तो ये हो गया मतलब क्या कहेंगे अलग हो गया ये, हाँ तो इसके लिए नीचे ही होगा, फिर टू बाई टू नहीं होगा, नहीं, वो तो वन के लिए ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं एक मिनट इधर आया, ये एक्चुअली ये फोर हो सकता है ना, हाँ फोर हो सकता है, एक्चुअली ये अगर ये नीचे आया तो ये टू बाई टू नहीं होगा, तो ये अनशेड, ये टू के लिए ये अनशेड, तो ये टू फोर के लिए वन हो गया, अरे गलत है, तो ये जाएगा खाली राइट में, अरे वन का वन हो गया, ये टू का टू हो गया, हाँ बस इसको इधर से बाहर आना है, बाहर आना, ये टू बाई टू नहीं होगा, वो चार होगा, ये फोर ही होगा, ये अनशेड, ये वन वन के लिए ये अनशेड हो जाएगा, ये शेड, फिर इसको बाहर आना है। नहीं इधर वन का एक करो, एक ऐसे करो, टर्न करो, पहले दो होने चाहिए ना वन के, हाँ दो हो गए, हो गए हो गए, अब इधर ये टू का कंपलसरी इधर होगा, और फिर ये दोनों जो रीजन है इनको कनेक्ट होना, कनेक्ट करने के लिए इधर से कनेक्ट होगा, और ये हो गया, हाँ एक बार चेक कर लो हर एक सेल हो गया, सब कनेक्टेड है, थ्री टू फोर वन वन थ्री वन फोर टू वन फोर फोर वन फोर टू टू वन, हाँ सही क्या, सही वेरी गुड, चलो ठीक है, नहीं तो कोई कमी नहीं, कुछ अब नेक्स्ट है थ्री नंबर 342, कुछ चार एक लिए वहाँ से ध्रुव ने, अभी वो भी लर्न ही कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे किया है सूर्य जी का, इसमें अगर 1-3 एच में आता है तो देखिए क्या करेंगे 1-3 में, ऐसे तीन, हाँ ऐसे तीन होगा, क्यों, क्योंकि तीन कंटिन्यूस होने चाहिए है ना, और ये कॉर्नर वाला वन नहीं हो सकता, आइसोलेट नहीं हो सकता, तो थ्री होगा और ऐसे जाएगा ये, और ये फिर सिक्स का चालू, और इसका और बाहर आना है, सिक्स का चालू होगा तो 1-2-3-4-5-6 फिर अनशेड हो जाएगा, ये वन का वन हो गया, बाकी सब अनशेडेड, तो ये जो रीजन है इसको बाहर आना इतना तो कंपलसरी, पर दो के लिए दो का तो ये सब निकल जाएगा, फिर दो के लिए दो हो गया, फिर ये रीजन को भी बाहर आना है इधर से कंपलसरी इतना ज़्यादा, उसके बाद अगर ये ऐसे जाता है तो ये ऊपर जाके वन के लिए तीन हो जाएगा, तो इधर नहीं जाएगा, कैसे बोली, अगर ये है या तो ऊपर जाएगा या तो राइट, अगर ये गया राइट तो ये अनशेड हो जाएगा, पर ये ऊपर से जा सकता है ना, ये ऊपर से जा सकता है, अभी नहीं, पहले ये 1-2 वाला देखो, 1-2 वाला है ना, उसमें 1 इधर नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है इधर, पर 1 नहीं हो सकता, और टोटल हमको 4 सेल चाहिए 5 में से, और ये 6 वाले को 6 चाहिए 8 में से है ना, एक चीज मिला मुझे, ये जो 2 है ना, ये वाला जो है इसको या तो ऊपर या तो लेफ्ट, अगर ये गया लेफ्ट तो 2 के लिए स्टार्ट हो गया और ये ऊपर जाएगा, तो ये तीन अनशेडेड, छः के लिए दो अनशेडेड हो गए, बाकी 6 होगा, 1 के लिए 2 हो गए, गलत है, तो ये नहीं हो सकता, तो मतलब ये नहीं जाएगा लेफ्ट तो ऊपर जाएगा, और तो मुझे एक चीज मिला, अच्छा, एक मिनट, ये 6 जो है ना उसके लिए 6 होने चाहिए, पर वो ये दोनों कभी नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक ब्लैंक आएगा ही, मतलब इस मिनिमम, हाँ एक ब्लैंक आएगा, तो हमको क्या मिला, तो इसमें एक चीज है कि अगर इन दोनों में से एक ब्लैंक आता है हाँ, तो इसके साथ ही होगा, हाँ, इसके साथ ही होगा, मतलब बाकी के तो शेड कर सकते हैं, इन पांच में तो होगा ही, इन पांच में होगा ही, मुझे एक चीज मिला, ये नहीं, इधर इसके साथ ये भी हो सकता है, ये अगर आगे जाएगा पूरा इन दोनों में तो ये ऐसे ही जाएगा, तो ये तीन तो होएगा ही, ठीक है अभी रुको, हाँ ऐसे ही जाएगा, बात सही है अभी रुको, फिर भी तो ये दो का दो हो गया, अभी देखो कॉर्नर वाला दो का एक स्टार्ट हो गया, नहीं वो वाला, हाँ ये का दो हो गया, इधर नहीं आएगा, वन कॉर्नर में नहीं आएगा, हाँ इधर आएगा, ये होगा, अब इसको यहाँ कनेक्ट करना है, इसको बाहर आना है, फिर दो का दो हो गया, ये अनशेडेड हुआ, तो इसके साथ ही अनशेडेड होगा और ये शेड हो जाएगा, 1-2-3-4-5-6 वन का हो गया, और ये ऊपर से कनेक्ट होगा, और ये हो गया,
सही बोल रही थी बेटी का, सही बोल रही थी। तीन कॉमन चेक कर लो एक बार, सब कनेक्टेड है। 6 सही है। तो तापा ट्रेन कंटेस्ट चल रही है अभी लॉजिक मास्टर इंडिया वेबसाइट पे, आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्वरूप जी का है, बहुत काफी अच्छा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है। अगर जीमा जीएम पजल का ग्रैंड मास्टर बोल रहे हैं, हां अभी ये है जीएम पजल में जो प्रैक्टिस वाला था, ये वाला वही एक लिया है उसने। ग्रैंड मास्टर पजल्स वेबसाइट है, काफी अच्छी है पजल्स के लिए, उसमें से लिया है। जो थोड़ा और है ले तो एक खोलो, ये भी कर लो। तो पजल्स का कोई एंड नहीं है, वी आर आल्सो लर्निंग एंड वी आर शेयरिंग विद यू, जस्ट एन एक्सपोजर इन इंट्रोडक्शन। हमको एक्सपर्ट नहीं है, जस्ट शेयर कर रहे हैं आइडियाज। तो देखो टू वाला एज मिला, थ्री कॉर्नर टू वाला एज मिला, क्या करना चाहिए ऐसे दो। हां, अगर 3-3 मिला तो ये कॉर्नर दो। हां, और टू चालू हो गया, अब क्या वो अंदर जा सकता है? ये अंदर जाएगा तो ये दोनों अनशेयर हो जाएगा और ये एक आइसोलेट आइसोलेट हो गया, तो इसको हॉरिजॉन्टल होगा, ऊपर वाला भी हॉरिजॉन्टल होगा, कंपलसरी। फिर इसको बाहर आना है, ये टू है, इसके लिए स्टार्ट हो गया, तो ये बाकी सब तो अनशेडेड होगा, कंपलसरी होगा। फिर ये जो 1-3 है, इसके लिए तो 3 ऐसे होगा या तो 3 ऐसे होगा और वो वहां 1 होगा, तो मतलब ये तीन तो हो गए कॉर्नर होंगे, या तो ये शेड होगा या तो ये शेड होगा, नहीं पता अभी। अब 1-2-2 के लिए ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये 2 हुआ तो क्या होगा, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट और ये तीन एक आइसोलेट होगा रीजन, तो वन से तो ये अनशेडेड होगा, मतलब 1 है। अब इन चारों में 2 या 1, तो या तो ये 2 होके 1 या तो ये 2 होके 1, पर ये दोनों कॉमन हो गया। ये 1-3 के लिए 1 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अब ये जो है इसे बाहर आना है इतना, तो अच्छा वो जो तुमने छोड़ा है ना वहां पे 3 वाला 3 का, ये वो नीचे नहीं जा, 3 का ऊपर ये वाला नीचे वाला, हाँ सेंटर हाँ, ये अगर नीचे ये नीचे गया तो ये अनशेड हो जाएगा और ये आइसोलेट होगा रीजन, तो वो सीधा जाएगा, तो ये जाएगा राइट में और ये फिर ऊपर ही जाएगा कंटिन्यू। अब उस पूरी ग्रिड फिर ये जो 3 है वहां से बाहर आना है, ये 3 है, इसके लिए तो ये ऐसे 3 या तो ऐसे 3 या तो ऐसे 3, पर ये 3 तो नहीं होगा, ये 3 अनशेडेड होगा। और ये जो 1 है, 1 है, इसमें ये शेड हुआ तो ये अनशेड हो जाएगा, तो ये अनशेड होगा, आइसोलेट हो जाएगा, हाँ आइसोलेट हो जाएगा। तो 3 है, इसके लिए तो ये या तो ये, तो ये कॉमन पॉइंट एक और बढ़ गया, और एक बढ़ गया। इसी ऊपर वाला जो है ना, तो इस पूरा बाहर आना रीजन से, बाहर आना है, तो ये वाला सेल से ही बाहर आना है, हाँ और कोई ऑप्शन नहीं, तो ये तो आएगा ही, ये 1 का एक 1 हो गया, सेकंड वन इधर ही आएगा, कंपलसरी 3 का हो गया। और अब उसको बाहर ऊपर कनेक्ट होना है, ये 1-3 वाला ये 3 ही होगा, हां ये ऊपर जाएगा, अब अनशेड होगा, अब इसको ऊपर ही जाना है कंटीन्यूअस, यस। नहीं नहीं अभी नहीं पता, ये नहीं नहीं वहां तक जाएगा, ये इधर से भी कनेक्ट हो सकता है, ये 3 हो गया बस। एक चीज मिला, ये जो ये 1 इन दोनों में एक में आना चाहिए, वन इधर आया तो अनशेड हो जाएगा और ये भी अनशेड, तो आइसोलेट हो गया, फिर से आइसोलेट, तो वन इधर आएगा कि अनशेड होगा, फिर इसको इधर से बाहर आना है पूरा, फिर अभी ये पूरा एक रीजन हो गया, फिर इसको फिर नीचे ही आना है, हां आइसोलेट नहीं करना, फिर ये अनशेड होगा, तो 1 के लिए इसको बाहर आना है, ये 2 हो गया, ये अनशेड होगा, 2-1-1 होगा कंडीशन बी, फिर ये इतना बड़ा रीजन है, इसको इधर से बाहर आना है। अब एकदम कॉर्नर से नहीं आ सकता, इधर से आता है तो ये ब्लॉक हो जाएगा और ये आइसोलेट हो जाएगा, तो ये इधर से बाहर आएगा, बाहर बाहर, सिमिलरली इधर का भी था, वो नहीं हो सकता अंदर, ये 2 हो जाएगा इधर से भी, एक बार देख लो सही है ना सब, 3-3-1-3-1-3 सही है, सही है, 1-3-2-1-3-2 मुझे चक्कर के लिए, ठीक है ठीक है चलो ठीक। अभी ये जो लिया है वो ट्रायल लिंक जो दी है LMI की वेबसाइट में, उसमें ये ट्रायल 1 से ट्रायल 2 ट्रायल काफी टफ है, स्वरूप जी ने जो क्रिएट किए हैं, पर उसको भी देखेंगे हम लोग, मजा आएगा थोड़ा सा। एक तो लिए हैं,
जाने दो पहला वाला। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क का मीनिंग ये है, फोर के लिए इसमें कुछ भी आ सकता है, वो आपको ये फोर के लिए ऐसा ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोर सब पर ये क्वेश्चन मार्क में वन तो होगा ही, मुझे जी बोले फोर के लिए ऐसा होगा और थ्री के लिए ऐसा होगा। हां सही बोल रहे हो तुम। तो अब वन के लिए वहां एक अनशेडेड कर दो, तीन चालू होगा ना, तीन का तीन का इधर अनशेडेड होगा, तो फिर दो और तीन चार हो गए, चार यूज हो रहे हैं, बाहर आना चाहिए, चार यूज हो रहे, तो ये दोनों कॉमन हो गया, नहीं बाहर आना ही है ना, ही होगा इसको और बाहर आना है, तो थ्री का थ्री होगा, ये भी निकल जाएगा करेक्ट, चार और फोर का इधर फोर होगा, फिर अब ये जो सेवन है तो इन दोनों में दोनों नहीं हो सकते, एक अनशेडेड होगा तो बचे हुए छह तो हो जाएंगे कंपलसरी होंगे, और ये वाला जो सेल है इसको शेड किया इसको आगे तो आना ही है पर ये नहीं आ सकता, तो अनशेड होगा वरना ये 2x2 हो जाएगा। नहीं कंटिन्यू पहले तो ऐसा नहीं, सिक्स का चालू हो गया ना वहीं से कंटिन्यू होना चाहिए, इसलिए ऊपर से टर्न मार्कर नहीं आ सकता, ये तो 2x2 ब्लैक हो जाएंगे सब। हाँ तो ये अनशेडेड होगा, ये अनशेडेड तो ये तीनों तो होएगा ही ना। नहीं अब क्या है कि ये उसका सिक्स का पार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर ये पार्ट हुआ तो ऐसे और अगर ये हुआ नहीं तो ऐसे, और ये पांच कॉमन है, पांच कॉमन है इतना पता चला आपको, अब पांच का चालू होगा देखो, तो पांच का दो चालू होगा, अरे चार है चार, ये तीन हो गया, हाँ। चौथा इन दोनों में से एक होगा, ये तीन तो नहीं आएगा, ये तीन नहीं आएगा, अरे तीन है इसका एक चालू हो गया, या तो ऐसे या तो ऐसे मैक्सिमम, या तो ऐसे, बाकी तीन नहीं आएगा, ये तीन बाकी तीन नहीं आएगा, और वन टू का मिल गया, यस, अरे बाहर आएगा अभी ये इतना, और पांच का कंटिन्यूस होना चाहिए तो पहले कनेक्ट कर दो, हाँ इधर से अगर ये ऊपर जाता है तो तीन के लिए ज्यादा हो जाएगा, हाँ जा, तीन तो का ये हो गया, हाँ। क्या हो गया ऑलरेडी बाहर, और इसको बाहर आना ऐसे 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 कनेक्ट हो गया, और ये 2x2 नहीं होगा इसलिए अनशेड, और चार का ही हो जाएगा, चार का अब तो ये होगा तीन, नहीं वो नहीं पता अभी छोड़ दो, ये पांच के लिए ना ये होगा या तो वो होगा, ये होगा। बाकी तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, अब उसको फिर अंदर आना है, नीचे इसको नीचे आना है, 2x2 नहीं होगा, 2x2 नहीं होगा और ये होगा, सिक्स का कितना हो गया, सिक्स हो गया, सिक्स हो गया, अनशेड होगा, अनशेड होगा, और सेवन का ये शेड होगा, परफेक्ट सही। अच्छा राइट क्लिक से वाइड कर सकते हैं यार, दो बार क्लिक करने से होता है ना, बेसिकली आंसर चेक ऐसे किया है कि ब्लैक सर्कल ब्लैक मार्क हो जाएंगे, वही मेन है, ग्रीन नहीं किया तो भी चलेगा, पर इस ग्रिड के बाहर कोई भी एक एक्स्ट्रा मत करेगा ब्लैक, बता दो, एक्स्ट्रा ब्लैक किया तो देखिए आंसर नहीं आ रहा, फिर निकाल दिया तो आंसर आ रहा है, हां क्योंकि वो पार्ट नहीं लिया आंसर चेक का, ग्रीन है तो चलता है बाहर, हां ग्रीन चलेगा, और एक लो ट्रायल टू कितना देखो तो लिख में सब ठीक चले, ठीक कितना मिनट हो गया, 38 बाकी है, कोई बात नहीं चलो एक और ले लो, अच्छा ये वाले में सब क्वेश्चन मार्क कर लिया, ऑलमोस्ट सब है क्योंकि ये वाला वन दिया, ये दोनों हो, वन वन होगा सही बोला, तो ये तो दो क्वेश्चन मार्क है, मिनिमम लेंगे वन वन तभी होगा, उतना ही दिया है, अरे ये क्या हो गया, हैंग हो रहा है, तो वन वन मैंने बोला था ऐसे ही चार होगा, अब आगे, अब एक चीज है कि तीन क्वेश्चन मार्क जो दिया है इधर, नहीं पहले तो वो बाहर भी आ और बाहर, हाँ इसको बाहर आना है, तो जो तीन क्वेश्चन मार्क दिया है थ्री, तो इसका वन वन ही होगा तभी हो सकता है, मतलब अगर तीन क्वेश्चन मार्क में तीन आ गया मतलब थ्री वन वन ही होगा, अब थ्री वन वन है, अब थ्री वन वन में चार कॉर्नर होंगे, एक कॉर्नर हो गया मतलब चारों बाकी कॉर्नर हो ही जाएगा, अभी ये जो है इसको बाहर आना है राइट या नीचे, नहीं, नहीं, मैं कह रहा अगर वो कॉर्नर वन हुआ तो आइसोलेट हो जाएगा, अगर ये थ्री होगा तो ये आइसोलेट हो जाएगा, ऐसे अगर ये थ्री हुआ तो आइसोलेट हो जाएगा, ये दोनों तो अनशेडेड होगा, और थ्री उन दोनों में से होगा जिनको नहीं पता, और जो क्वेश्चन मार्क है इसमें दो एंड स्टार्ट होगा तो इनको कनेक्ट होना ही है, मतलब ये नंबर सात होगा, भले नहीं दिया है आप अभी समझ सकते हो सात है ऐसा, ठीक है ना, अच्छा ये यू यू जैसा नीचे बना ना यू, उसके बाजू वाला नहीं आएगा एक, क्यों, क्योंकि वो आया तो ऊपर नीचे से बाहर जाना उसको, ये वाला, हाँ वो नहीं आएगा, हाँ ये आया तो ऊपर या नीचे पर 2x2 हो जाएगा, तो वो अनशेडेड रहेगा, अनशेडेड, तो ये जो
तीन नंबर वाला है और ये तीन नंबर, अब इससे इसमें कुछ मिलेगा, उसमें क्लू मिलता है सोचते हैं। चलो उसको बाहर तो आना है जो टू सेल तुमने किए ऊपर, ये वाले ब्लैक एंड ये वन नहीं हो सकता, नहीं बाहर आना है कंपलसरी। इसमें ये जो तीन वाला अगर क्वेश्चन मार्क है इसमें मैक्सिमम नंबर हो सकता है 1, 2 या 3, तो ये 1 नहीं होगा। 1 हुआ तो तुरंत आइसोलेट हो जाएगा, 2 हुआ ऐसे तो आइसोलेट, और अगर ऐसे 2 हुआ तो भी आइसोलेट, तो मतलब ये 2 भी नहीं होगा तो 3 ही होगा, एटलीस्ट 3 है, 1 डिजिट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। तो मैंने बोला अगर एक भी क्वेश्चन मार्क 3 हुआ तो बाकी दो 1-1 हो जाएगा, और उसमें एक कॉर्नर होगा तो बाकी तीन कॉर्नर भी हो जाएगा। तो अभी ये तो दो क्वेश्चन मार्क, वन नहीं है, 3 इधर वाला ही है, इधर तुम अनशेडेड कर सकते हो, 3 ये वाला ही है, तो ये दोनों अनशेडेड, तो इसको बाहर आना है अभी। तब ये जो तो दो क्वेश्चन मार्क वाला है ये तो दो ही नंबर होने चाहिए, तो अभी ये 3 सेगमेंट हो गए, तो इसको कनेक्ट हो जाना है, कंपलसरी कनेक्ट होना, मतलब ये क्या कह रहा है कि दो रीजन होनी चाहिए सेपरेटेड, मुझे एक क्लू मिला कि अगर ऐसा होता तो एक लूप बन जाए, नहीं लूप बन सकता है, अभी तो 3-1-1 था, हो गया देखो ये 3-1-1 फुलफिल हो गया, इसको बाहर आना है, बाहर आना है ना, इसको इधर से बाहर आना है, अभी तो 2 क्वेश्चन मार्क है, नहीं नहीं वो हाँ वो उसे दिक्कत से बोली, वो कनेक्ट नहीं होगा ना, वहाँ कनेक्ट नहीं होगा, हाँ इसमें एक्चुअली ये है ये दो क्वेश्चन मार्क वाला, अगर कनेक्ट होगा तो एक नंबर होगा 7, हाँ इनको बाहर आना है, बाहर और ये भी बाहर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और इसको ऐसे कनेक्ट होना है क्योंकि एक ही क्वेश्चन मार्क दिया है, और ये अलग हो जाएगा ना लीजिए, और जो क्वेश्चन मार्क है इसमें एक एंड पॉइंट छूट गया, इसको कनेक्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा इधर, करेक्ट, फिर 2x2 नहीं होगा, और अगर इधर हुआ शेड तो जो क्वेश्चन मार्क इसमें एक ही नंबर आना चाहिए, तो इधर से स्टार्ट हो गया तो इसको इधर से कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि दो यहाँ ब्लॉक कर रहा है, ब्लैक आंसर करेक्ट, तो ये अनशेड होगा, और जो ये वाला रीजन है ये इधर से बाहर आएगा, और ये हो गया, यस। तो देखिए इस कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है, मतलब ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन गुगलम सर ने ये जो तापा ट्रेन कंटेस्ट चलाया है, आई एम रियली इम्प्रेस बाई देट, खाली तापा पजल ही आएगी हर रोज एक एक, हर कुछ 30 घंटे में अनलॉक करते हैं, और एक के बाद एक ग्रिड का साइज बढ़ते जाता है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, इवन मैं आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, बट आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू पीपल कि ऐसा भी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज अच्छा है, तो मैं शेयर किया है, कृतिका भी सीख रही है और ध्रुव भी लर्न कर रहा है, पर उसको इंटरेस्ट हुआ तो सोचा किसी भी एक सेशन करते हैं यार। तो स्वरूप जी ने जितना अच्छा है फ्रेम किया, एक एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ता है डेली, और काफ़ी अच्छा है, ध्रुव भी स्ट्रगल कर रहा है, लास्ट या सेकेंड लास्ट ही आ रहा है, बट मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं LMI को दिखाओ फिर से, उनको होम पेज दिखाओ कि यहाँ पे आप ट्रायल भी देखेंगे 5, और उसके बाद हर रोज एक एक, अभी भी आप कंपटीशन ओपन है, आप अंदर मैंने तो किया ऐसे ऐसे दिखा रहा है खत्म, अगर आप करेंगे तो स्टार्ट दिखाएगा, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, और अभी तो कुछ अनलॉक होना बाकी है, पर काफ़ी अच्छा है, आपको एक एक घंटा लग सकता है एक एक एक्सरसाइज में, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, चाहे नहीं भी कर सकता। अच्छा इसमें एक सबसे अच्छा फीचर दिखा वो कुछ रिप्ले फीचर उन्होंने डाला है, एक चीज़ है कि आप किसी और ने कैसे क्या सोच के किया है वो आप उनका रिप्ले चेक कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ये है रिजल्ट ट्रायल 1 का, इसमें एंड में रहेगा रिप्ले हर एक प्लेयर का, तो आप उनका रिप्ले चेक कर सकते हैं, और इसमें अगर आप जैसे दिखाओ, मैं किसी का खोलूंगा पजल मास्टर मान लो, तो उन्होंने कैसे सोच के क्या ग्रिड, तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन भी दिया है, जैसे चेंज किया है अभी, इसमें स्पीड भी आप कर सकते हैं, आपको स्लो देखना है तो स्लो, फिर ये है पूरा खाली करने के लिए ग्रिड, फिर से देखना है तो, और ये आगे एक स्टेप करने के लिए, और ये पॉज कर, ये चलाएंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा, और पॉज करने के लिए ये, फिर से स्टार्ट करने के लिए ये, और ये खाली करने के लिए ये, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ ही थॉट एनी प्रोसीडेड टू फिल द ग्रिड, ये इतना अच्छा फीचर उन्होंने अभी विजिबल किया है, तो यही देख के दूर भी सीखा, दिखाओ कोई एक दिखाओ कि भाई वो कैसे चालू किए लॉजिक, उन्होंने क्या पाथ सोचा, जैसे उन्होंने यही सोचा कि 3 है और 4 का
फिर बाद में उन्होंने यही कि सात का जैसे ये हम कर चुके जाने दो एक खत्म हो जाए बोलने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी कर चुके हम लोग ना ट्रायल वन वाला है तो उन्होंने क्या सोचा हमने कुछ आप स्लो स्लो भी चेक कर सकते हैं एक एक स्टेप जैसे मैं तो पूरा चला रहा हूँ अब एक एक स्टेप भी कर सकते हैं हाँ आपकी मर्जी सोच के तो एक फीचर अच्छा डाला है रिप्ले फीचर तो इससे क्या है कि आपको समझ में आएगा कि हाउ अदर चैंपियंस आर थिंकिंग चलना खत्म कर दिया तो स्टॉप हो जाएगा तो अनसेडेड जो है सेल्स को करना जरूरी नहीं है बट इन्होंने किया नहीं तो भी हो गया तो नंबर ऑफ क्लिक बढ़ती है उसमें क्लिक जो लिखा है तो यहां लोग सॉल्ट टाइम दिखाएंगे पेन मतलब अगर वो करेक्शन किया है तो पेन मतलब कोई मिस्टेक किया है तो काफी अच्छा है फीचर्स हैं देख सकते हैं चलो आगे अर्ली दिखाता अर्ली ट्रायल 3 ट्रायल 3 काफी लंबा सेशन हो गया तो देखो ना क्वेश्चन मार्क वाला था कि नंबर नहीं दिया फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं चलो अब इसमें क्या आया कुछ देखो तो कुछ कमेंट तो ये जब टू कॉर्नर में है तो सामने वाला हो जाएगा और ये अगर टू ऐसे है तो अगर इधर से स्टार्ट हुआ तो आइसोलेट हो जाएगा जैसे भी हो के तो मतलब कॉर्नर वाला अनशेडेड होगा ऐसे इसके लिए भी कॉर्नर वाला अनशेडेड इन और एक कंटिन्यूस नहीं जा सकता लास्ट वाला कॉलम है ना वहां से तुम देखो अगर वो एक तुमने हाँ ये वाला अगर किया ये बाहर जाएगा ये अनशेडेड और ये जो टू है इसके लिए स्टार्ट होगा और बाहर जाएगा ये अनशेडेड ऐसे ये अनशेडेड है अगर ये शेड हुआ तो इसके लिए ऐसे होगा और ये फिर अनशेडेड इधर से भी अनशेडेड ये तीन ऐसे ये जो टू टू है इसके लिए ये है तो स्टार्ट होगा फिर इसके लिए भी ये अनशेडेड है तो फिर इधर स्टार्ट होगा फिर ब्लॉक फिर से मुझे एक चीज बोलना है कि जो टू है उसके लिए इंद्र का भी होगा और कंटीन्यूअस स्पेस कहीं भी हो सकता है अभी तो अभी नहीं पता चलेगा उसको अभी इधर आया तो इधर आएगा फिर से ब्लॉक तो मतलब ये तीन भी नहीं आएगा तो फिर वो मिल गया देखो टू टू वाला है टू वाला एक रुको क्या हुआ अभी पांच बचा था कैसे होगा कौन सा होगा ऐसे ऐसे और इधर गैप ऐसे ऐसे और इधर गैप फिर इसको बाहर आना है फिर इसके लिए भी ऐसे ऐसे टू हो गया ब्लॉक कर देना है फिर इसको बाहर आना है करेक्ट उसके लिए दो हो गया इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा ना नहीं इसको इधर भी हो सकता है अभी पता नहीं हां पर वहां से नहीं होगा तू अंदर से आएगा ना अगर एक करो टू तुम नहीं इधर आया तो ये इधर से नहीं पहले तो वो बाहर जाएगा पर वो नीचे वाली लाइन जो वहाँ तीन हो जाएगा ना मतलब ऐसे जाके और आगे जाएगा हाँ मतलब ये ऊपर आ ही नहीं सकता ब्लॉक हो गई तो ये टू टू में ये कॉमन हो गया हाँ और अगर ऊपर का आया तो ब्लॉक हो गया फिर इधर से जाए तो ये फिर से गलत उधर से जाएगा तो भी फिर से ब्लॉक तो वो भी नहीं होगा तो मतलब ये वाला ही पॉसिबिलिटी है कंपल्शन ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस और ये टू टू का एक स्टार्ट हो गया इन दोनों में से कोई होगा तो इसमें ये जो टू है तो इसमें आप देखेंगे तो ये इधर से बाहर निकल ही नहीं सकता क्योंकि इसको सेंटर से बाहर निकलना है वरना इनका तीन हो जाएगा करेक्ट सेंटर से बाहर निकलेगा अब इधर से भी देख, मतलब ये जो टू बाई टू आप देख रहे हैं टू बाई टू जहाँ कर्सर तो यहाँ ऐसे तीन नहीं हो सकता और ऐसे यहाँ तीन नहीं हो सकता तो इसको ऐसे हम सोच सके ये मिनिमम आएगा मतलब यहाँ से आने के चांस जो है वो कम है नहीं है तो ये आएगा इधर से पहले ये सेल जरूर आएगा और ये इसके बाद भी ऐसे आगे तीन नहीं हो सकता ऐसे इधर भी तीन नहीं हो सकता तो इधर भी या तो ऐसे होके ऐसे या तो ऐसे होके ऐसे इसमें भी ये भी आ गया फिर से नहीं आएगा इतना तो इसमें ये टू टू है दो स्टार्ट पॉइंट दे दिया इसके लिए ऊपर नीचे इसके लिए लेफ्ट और नीचे तो ये दोनों तो अनशेड हो जाएगा अगर ये जो टू टू है अगर ये नीचे नहीं आया तो इधर जाएगा कि ब्लॉक हो गया इधर भी ब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा मुझे एक डाउट है कि अगर ऊपर आता है तो ये इधर आइसोलेट होगा नहीं आइसोलेट नहीं इधर से जा सकता है तो इसमें नीचे शेड होगा ही और ये इधर आइसोलेट मतलब इधर अनशेड हो जाएगा एक रीजन और ये इधर से बाहर आ गया क्योंकि ऊपर जितना भी चला जाए ऊपर तो ब्लॉक होना ही है इधर से बाहर आ गया अभी
अच्छा 2x2 में दोनों नीचे ब्लैक नहीं होगा? कौन सा बोला? जो इस यू बना ना, यू के नीचे दोनों तो नहीं होगा? हाँ दोनों तो नहीं होगा। और उसको बाहर भी आना है, वो टर्न मर गया, यहाँ से आ नहीं सकता बाहर। ये ब्लैक सेल नहीं हो सकता, अगर ये हुआ ना हुआ तो इधर नहीं आएगा, इधर बाहर आएगा, वहाँ से ज्यादा हो जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएगा। मतलब वहाँ से तो आइसोलेट होना ही है, यहाँ से भी आइसोलेट हो जाएगा, बाहर नहीं आ सकता वो। हाँ आइसोलेट हो गया, ऐसा था ना? हाँ पर ऐसा था। तो ये अनशेड होगा। अब उसको बाहर आने के लिए एक ही ऑप्शन है, इधर से नीचे से चालू हो, नीचे अरे दो का एक दो हो गया, इधर अनशेड, उसे टर्न मारना पड़ेगा, दो के चालू होगा। अरे तो दो है, एक और दो चाहिए, तो ये दो होगा कंपलसरी, कंटिन्यूस होना है ना इसलिए। और ये दो के लिए एक स्टार्ट हो गया, तो ये आगे आगे नहीं आ सकता, नहीं तो क्लैश हो रहा है। ये तुमने जो मारा है वो तो एक्चुअली आ सकता है ना ऐसे, वो तुमने क्यों मारा, वो आएगा कनेक्टिंग, इधर से कनेक्ट होगा, बस फिर इधर अनशेडेड और 2 का 2 हो गया, बस ये जो 2 है इसके लिए ये कॉमन, फिर इधर से नीचे नीचे भी कहीं भी आ सकता है। अब देखो वो वहां पे एक मिनट, हां यहां तक ठीक लग रहा है। अभी अगर वो उधर आया, ये इधर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां बाहर नहीं आ पाएगा, मान लो यहां गया। हां अगर ये ऊपर गया तो इधर अनशेडेड हो जाएगा और ये 2 का 2 के लिए अनशेडेड हो जाएगा, मतलब इनको इधर से ही बाहर आना है, क्योंकि ये नंबर अभी हमको कवर कर कैसे कनेक्ट करना है। हाँ तो ये ऊपर अनशेडेड जाएगा, नीचे आएगा और इनको इधर से ही आना है अभी, तो ये तो अनशेडेड, फिर 2 का 1 स्टार्ट हो गया तो नीचे आएगा, फिर इसको इधर से ही कनेक्ट होगा, फिर 1 2 का हो गया। अच्छा तो दूसरा इधर से आएगा, दूसरा ये कॉमन है, इधर होगा तो आइसोलेट हो जाएगा। तो मुझे डाउट है कि अगर इसके लिए दो हो गया ना ऐसे, ये इतने जगह लेता है तो चार है, उसमें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट अभी कुछ नहीं है इसमें। नीचे वाला दो आएगा तो बाहर अभी कुछ नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगा वहां से, ये कभी नहीं हो सकता सेट, ये वाला नहीं होगा, नहीं ये वाला सेट नहीं होगा कभी भी। ये वाला होने से क्या होगा, वो ऐसे 3 हो जाएगा, दो का ये नीचे आएगा तो और ये नीचे नहीं, हाँ आइसोलेट हो जाएगा, होगा नहीं हो सकता, अरे इधर अनशेडेड तो ये 2 के लिए कॉमन हो गया, कॉमन होगा, और अगर ये ऊपर आया तो फिर से अनशेडेड होके आइसोलेट हो जाएगा, नहीं इधर से कनेक्ट हो सकता है, उधर करने वही होगा, वो वही होगा, नहीं अगर नीचे हुआ तो इधर अनशेडेड, हाँ तो इसमें दो सोल्यूशन जैसा हो जाएगा, 2 के लिए ऊपर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, नहीं हो सकता ना वो, इसलिए नीचे नहीं आएगा, इसलिए ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर कनेक्ट होगा, बस और ये नीचे से ब्लॉक, और ये 2 के लिए इधर नहीं आएगा, तो कॉमन पॉइंट, और अगर ये ऊपर गया तो ब्लॉक हो जाएगा, इधर ब्लॉक, इधर ब्लॉक, इधर भी ब्लॉक, तो ये इस तरह जाएगा राइट, और इधर अनशेडेड तो जाएगा नीचे। एक डाउट है, अगर ये ऐसे होता है तो ये निकल जाएगा, इधर से बाहर आ जाएगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी है, ऊपर से आके भी ऐसे जा सकता है टेढ़ा, हमको नहीं पता। अब ये तो 2 है, इसके लिए 2 हो गया, ये 2 के लिए स्टार्ट हो गया तो कम पक्का नीचे, फिर ये रीजन को इधर से ही आना है बाहर, अब इतना हो गया, और ये वाला जो है रीजन, इसको इधर से ही बाहर आना है, कनेक्ट होगा। अब ये जो 2 है या तो इधर से बाहर आएगा या तो इधर से, नहीं लेफ्ट से नहीं आ सकता, तो इधर से बाहर आया तो आइसोलेट हो जाएगा, 2 का 2 नहीं होगा, 1 हो गया, इधर अनशेडेड, इधर शेड, इधर शेड होगा, बाकी सब अनशेड हो जाएगा, ये नीचे से आएगा बाहर, और इसको भी ऐसे बाहर आना है, और 2 के लिए इधर नहीं होगा वरना 2x2 हो जाएगा, और फिर इधर आएगा, तो ये था तापा पजल, जिसका मीनिंग है सिंगल कनेक्टेड वॉल। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं बेसिक कंसेप्ट।
और इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज का आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन समाप्त करेंगे, अगला फिर कुछ और कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए नमस्ते, बाय बाय। अभी कंपटीशन ओपन है उनका, आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। हाँ, कंपटीशन अभी भी खोला है LMI वेबसाइट में, 25 to 14 January तक। तुमने 30 लिखा था क्या ऊपर का? ठीक है, चलिए मिलते फिर, है ना।